समाज को आईना दिखाने वाले देश के चौथे स्तंभ के अधिकारियों के लिए संघर्ष करने वाली एकमात्र संस्था आयरा प्रेस क्लब की मासिक बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आपको बता दें कि आयरा प्रदेश अध्यक्ष विजय यादव द्वारा पत्रकारों के ऊपर हो रहे उत्पीड़न को लेकर आयरा प्रेस क्लब के समस्त पदाधिकारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पत्रकारों के साथ हो रहे उत्पीड़न को लेकर संगठन के समस्त पदाधिकारियों ने मिलकर गहन मंथन व चिंतन किया। इस संगठन ने सदैव ही पत्रकार हितों के संघर्ष के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं। इस बैठक में संगठन के विस्तार और अनुशासन को लेकर चर्चा की गई, साथ ही पत्रकारों के कार्य क्षेत्र में आ रही समस्याओं के बारे में भी जाना गया। आपको बता दें कि बैठक को संबोधित करते हुए आयरा के कोर कमेटी की ओर से फैसला हयात नदीम सिद्दीकी दीपक पाठक द्वारा बैठक में आए समस्त पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। साथ ही उन्हें बताया गया कि आयरा प्रेस क्लब तन मन धन से पत्रकारों के साथ खड़ा है। पत्रकारों के ऊपर कोई भी मुसीबत आने पर आयरा प्रेस क्लब सदैव उनकी लड़ाइयां लड़ेगा और उन्हें न्याय दिलाएगा। वहीं आयरा के राष्ट्रीय महासचिव नदीम सिद्दीकी द्वारा काफी समय से पत्रकारों के लिए संघर्ष करने वाले पत्रकारों को आयरा प्रेस क्लब में कई अहम पदों पर निर्वाचित किया गया। राष्ट्रीय सचिव दीपक पाठक द्वारा सभी नव निर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं भी दी गई और सभी पदाधिकारियों को पत्रकार हितों के लिए कार्य करने का संकल्प दिलाया गया। आपको बता दें कि आयरा प्रेस क्लब के सलाहकार परिषद के प्रदेश अध्यक्ष सरवन गुप्ता द्वारा संगठन के विस्तार को लेकर कई सुझाव रखे गए। वहीं इस बैठक में आयरा प्रेस क्लब के प्रदेश अध्यक्ष विजय यादव ने बताया कि किस तरह से उनकी संस्था पत्रकार हितों के लिए संघर्ष कर रही है और सदैव आगे करती रहेगी। आयरा के जिला अध्यक्ष एसपी विनायक ने बताया कि पत्रकार एक ऐसा व्यक्ति है जो समाज की सच्चाई को आईना पैच जो समाज को सच्चाई का आईना दिखाता है और कई बार पत्रकार को पत्रकारिता करना महंगा पड़ जाता है, तो वहीं शासन प्रशासन द्वारा उन पर फर्जी मुकदमा लिख दिए जाते हैं और पत्रकारों की इसी लड़ाई को आयरा के जिला अध्यक्ष आगे बढ़ाएंगे और सभी पत्रकारों को उनका हक दिलाने के लिए आयरा के बैनर तले सदैव संघर्ष करते रहेंगे। आयरा प्रेस क्लब के प्रदेश उपाध्यक्ष मोनू तिवारी ने बताया कि क्लब की स्थापना स्वर्गीय पुनीत निगम द्वारा की गई थी और उनका सपना था कि समाज में सभी पत्रकारों को एक सा सम्मान मिले, जिसके लिए वह और उसके साथी कार्य कर रहे हैं। आयरा के जिला उपाध्यक्ष प्रशासन अमित ठाकुर ने बताया कि जिस तरह से पत्रकारों के ऊपर फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, उसका आयरा प्रेस क्लब घोर निंदा करता है और समाज में मौजूद सरकार से आग्रह करता है कि पत्रकारों के साथ हो रहे उत्पीड़न को तुरंत रोका जाए और पत्रकारों की मदद की जाए। आयरा प्रेस क्लब के मासिक बैठक में आए सभी पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार सामने रखे, जिससे संगठन और भी आगे बढ़ सके। इस मासिक बैठक में आयरा प्रेस क्लब के राष्ट्रीय प्रदेश मंडल व जिले के समस्त पदाधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। देखिए आज आर इंडियन आयरा की मासिक बैठक हुई, जिसमें संगठन के विस्तार को लेकर चर्चा की गई और इसमें कुछ पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें मंडल में हमारे रत्नेश जी को मंडल पदाधिकारी बनाया गया है। इसके साथ ही जिले में कुछ पदाधिकारी कार्यकारी सदस्य बनाए गए हैं और मैं सभी निर्वाचित पदाधिकारियों से और नौसाद जी को हमारे जिला प्रवक्ता के पद पर निर्वाचित किया गया है। मैं सभी अपने पदाधिकारियों से यही अपेक्षा रखता हूँ कि वह हमारे संगठन के लिए जिस तरह हम लोग मेहनत कर रहे हैं, उसी तरह हमारे कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत करेंगे और हमारे संगठन को आगे जाने में हमारा भरपूर साथ देंगे। जिस तरह आए दिन देश में पत्रकारों ऊपर हमले हो रहे हैं, इसको लेकर आपका संगठन क्या कार्य कर रहा है? देखिए, हमारा संगठन पत्रकारों के हित के लिए हमेशा संघर्षशील रहा है और हमारे राष्ट्रीय मुख्य महासचिव जी, जिनका कि हमारा स्वर्गवास हो गया था पिछले वर्ष, पंडित निगम जी का, उनका भी एक ही कहना था कि हम पत्रकार हितों के लिए हमेशा संघर्षशील रहे हैं और हमारा संगठन शुरू से पत्रकारों के लिए संघर्षशील रहा है और हमारे किसी भी साथी के ऊपर कभी भी कोई भी बात आएगी उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं, उसकी मदद करने के लिए हमेशा हमारा संगठन आगे से आगे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। आज हमारे द्वारा आप
पत्रकार क्षेत्र में जितने भी पत्रकार साथी कार्य कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं अपने पत्रकार साथी से कहना चाहूँगा कि वह निष्पक्ष होकर पत्रकारिता करें, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी छोटे बड़े की भेदभाव के रखते हुए निष्पक्षता से पत्रकारिता करें। निष्पक्ष पत्रकारिता करना ही हमारा धर्म है।